जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोमेंट्स, और मोमेंट्स में हम पढ़े थे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस्ड, व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो एंड रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज अ पॉइंट थ्रू विच ऑल वेट ऑफ द बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट। ऐसा लगता है सारा वेट उसी पॉइंट से एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास छोटी बॉडीज के लिए सेम पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट पे आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके मिडल में होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है? जहाँ पे ज़्यादा मैटर है, ज़्यादा मैटर की साइड पर होता है। और हमने इरेगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का तरीका पढ़ लिया था कि इरेगुलर 2D लेमिना है, उस पर दो तीन होल्स करें, एक होल से हैंग करें, वहाँ से प्लम लाइन हैंग करें और उसके नीचे लाइन लगा दें, फिर दूसरी जगह से हैंग करें, जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। देन वी डिस्कस कपल। कपल क्या होता है? टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, उनको बोलते हैं कपल। और कपल के टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का आंसर और मोमेंट का आंसर सेम होता है, तो हम सब क्वेश्चन को मोमेंट्स वाले मेथड से करेंगे। और मोमेंट्स के क्वेश्चन करने के स्टेप्स क्या हैं हमने याद किए हुए? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, ये स्टेप्स हैं। ए फॉर एरोस, फिर पिविट, फिर डिस्टेंस, फिर टाइप ऑफ मोमेंट, फिर इक्वेशन। हरीश ये वाली असाइनमेंट हम इनको कॉपी करा के देख सकते हैं बच्चों को, ये इस बुक पे रेडलाइट में जो है ना, ये जो मैं कराऊंगा, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं ये कल फिर इनको दे देंगे बच्चों को। अच्छा बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं खुद भी करा सकता था लेकिन मैं चाह रहा हूँ पास्ट पेपर से करवा दूँ क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो स्क्रीन नीचे कर, चलिए ये ट्राई करें। अ लोड इज टू बी मूव्ड यूजिंग अ व्हील बैरो, द टोटल मास ऑफ द लोड एंड व्हील बैरो इज 60 kg, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 N/kg। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी को बोलते हैं। वट इज द साइज ऑफ फोर्स नीडिड टू जस्ट लिफ्ट द लोडेड व्हील बार, कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये जस्ट लिफ्ट कर जाएगा? ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं आप। सॉरी आंसर आ गया, गुड यार याद किए हुए। हाँ जी, अभी आपको ड्रॉ तो नहीं कर सकते, आपके पास असाइनमेंट नहीं है, मैं इसी पे ड्रॉ करता हूँ। देख लिए क्वेश्चन, स्टेप्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर बेटा, स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हाँ जी, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सबसे पहले ये देखिए, एरोस, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, ए फॉर एरोस। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, और एक और फोर्स है कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी जरूरत नहीं है ड्रॉ करें या ना करें, यहां पे भी एक फोर्स लग रही होती है। क्यों इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट को पिविट ले रहा हूं मैं, एरोस पिविट, ये पॉइंट पिविट है, ये भी पिविट, ये एक ही बात है, ये पिविट है, इन्होंने ये पिविट लिया, चलिए इसी को पिविट कह दें। तो यहां जो फोर्स लग रही है ना, वो पिविट से गुजर रही है, तो जो फोर्स पिविट से गुजर रही होती है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है, उसका मोमेंट जीरो होता है। एरोस हो गए, पिविट हो गए, डिस्टेंस। अब हर फोर्स का पिविट से डिस्टेंस, बेटा ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है ना, अब पिविट से ये डिस्टेंस लेंगे हम जो 90 का एंगल बनाएगा, और वो कितना बन रहा है? 70। इधर से लेके इधर से कितना डिस्टेंस है? 70। तो ब्रैकेट में लिख दें इसका वेट है कितना, द वेट टोटल 60 kg। 60 kg मास है ना बेटा, इसको वेट में चेंज करें, W इज इक्वल टू mg, 60 × 10 कितना हो जाएगा बेटा? 600 N। इसका जो वेट है वो 600 N है, और इसका डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक? 70, ब्रैकेट में 70 लिख लें। अच्छा, अब ये जो फोर्स है F, ये भी वर्टिकल है ना, इसका डिस्टेंस कितना है पिविट से? ये डिस्टेंस इसका लाइन ऑफ एक्शन का यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना बन रहा है बेटा? फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, कितना बन रहा है? 70 + 50 = 120। तो ब्रैकेट में लिख दें 120, इसके साथ फोर्स के साथ ब्रैकेट में लिख दिया 120। अब कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है ये कैसे चेक करते हैं? पिविट वाली जगह से पेन को पकड़ते हैं,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग प्लेस करते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में पुश या पुल करते हैं। ये पिवट है ना, यहाँ से पेन को पकड़ लिया और फोर्स नीचे लग रही है, को नीचे खींचे, कैसे जाना चाह रहा है? तो इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। सिमिलरली वो जो ऊपर लग रही है फोर्स, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ा, फोर्स ऊपर लग रही है तो ऊपर धक्का दें इसको, ऊपर पुश करें, ऊपर पुश किया तो कैसे घुमाना चाह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब आपको पता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आपने जस्ट उठाना है ना, घुमाना तो नहीं है, उठा के रोक देना है बस, जस्ट लिफ्ट करना है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? क्लॉकवाइज मोमेंट। बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है? एफ इंटू 120, एफ मल्टीप्लाई बाय 120 सेंटीमीटर में रहने दिया, चलिए ये लिख देता हूँ यहाँ पे। और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? 600 न्यूटन इंटू 70 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये 120 जाके डिवाइड होगा, ये जीरो जीरो से कट गया, तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 7 ओवर 12, 1250 टाइम्स 350। कोई आंसर है ऐसा? ए आंसर है, इसका ए आंसर है। सो ये असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा अभी, अगर सिर्फ देखते रहें और अगर आप विदाउट डायग्राम अपनी कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर सॉल्व करें। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हमने स्टेप्स अप्लाई किए, ऑल पाकिस्तानीज डिनाइड टेररिज्म, ये टी से क्या होता है? टाइप ऑफ मूवमेंट, और ई से क्या होता है? इक्वेशन। ये स्टेप्स लगाने हैं तो हर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में टू कर रहे हैं बेटा, एक बार इसको देख लें, ये क्लियर देख लें, आपको नजर आ जाए। हाँ जी, अ हॉरिजॉन्टल पोल इज अटैच टू द साइड ऑफ द बिल्डिंग। चलिए आप ट्राई करें, हॉरिजॉन्टल पोल है ये, साइड ऑफ द बिल्डिंग पे अटैच है। देर इज अ पिविट एट द वॉल एंड अ चेन कनेक्टेड फ्रॉम इट। जैसे वो नहीं होता ट्रैप डोर होता है, इस पॉइंट पे घूम के नीचे गिर सकता है, इसको रोकने के लिए रस्सी बांधी हुई है आपने। द चेन इज कनेक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द पोल टू द पॉइंट हाई अप द वॉल। यहां पे देयर इज अ टेंशन फोर्स एफ इन द चेन, इस पर टेंशन है, टेंशन जो होती है ना रोप के अलोंग होती है, और जिस पॉइंट पर रोप अटैच होती है उससे अवे होती है टेंशन की डायरेक्शन, यू नो। वट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द पिविट? इस फोर्स का मोमेंट कितना है पिविट के अबाउट? बोलना नहीं है, मोमेंट बताना है, इस फोर्स का मोमेंट कितना है पिविट के अबाउट? लिख दो अपनी कॉपी में आंसर अगर आपको आता है तो। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? एफ। अब इस एफ के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या एल है कि एस है कि डी है कि एच है? इस फोर्स के साथ जो 90 का एंगल बना रहा है, जो डिस्टेंस पिविट से चल रहा है और इस लाइन ऑफ एक्शन के साथ मिनिमम डिस्टेंस बना रहा है, जिसका मूवमेंट आम है, वो कौन सा है? एफ इंटू एल तो नहीं है, ये 90 का एंगल नहीं है। एफ इंटू डी, यस ये राइट एंगल का सिंबल है। तो मूवमेंट क्या होगा? एफ इंटू डी। एफ इंटू क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चेक करते हैं? पिविट वाली जगह से पेन को पकड़े, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है ना, इस पे प्लेस करें, आप फोर्स की डायरेक्शन धक्का मारे, कैसे घूम रहे मेरा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो घूम क्यों नहीं रहा? व्हाट इज नॉट टर्निंग? ये जो फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है लेकिन ये घूम नहीं रहा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। कौन बैलेंस कर रहा है इसके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को? वेट का मोमेंट। इसका वेट यहां से एक्ट करेगा ना बेटा, इसका वेट यहां से एक्ट करेगा ना, वेट कैसे घुमाना चाहेगा? क्लॉकवाइज। टेंशन कैसे घुमाना चाह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों मोमेंट्स क्या है? इक्वल, तभी नहीं घूम रहा। इज इट क्लियर टू यू? तो हम इसका क्वेश्चन बना लें, क्वेश्चन बनाते हैं, लिखिए ये डायग्राम बनाए, मैं आपको वैल्यूज बताता हूं। हम इसका वेट निकालते हैं, वेट, इसका वेट क्या रो बनाए मिडल में, बिल्कुल
इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं। ये वैल्यूज गिवन है आपको, टेंशन है जी 660 न्यूटन्स, ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स, ये डिस्टेंस है 6 मीटर्स, आपसे कहा जाता है फाइंड द वेट ऑफ द पोल, फाइंड द वेट ऑफ द पोल, क्या करना है आपने, वेट ऑफ द पोल निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ द पोल। तो सबसे पहले क्या करेंगे जनाब, एरोस लगाएं, एरोस कौन कौन से हैं, इस रॉड के ऊपर कौन सी फोर्स है, ये टेंशन, ये फोर्स है, ये 60 न्यूटन है एरो, और कौन सी फोर्स है, रॉड का वेट कहां से एक्ट करेगा, हम ये अज्यूम करें यूनिफॉर्म रॉड है, कहां से एक्ट करेगा, मिडल से एक्ट करेगा, इसका क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से एक्ट करेगा वेट, और वही तो निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी है डब्ल्यू, ये फाइंड आउट करना है आपने। और एक और फोर्स भी है, कौन सी है बेटा, पिविट के ऊपर, एक फोर्स पिविट के ऊपर है, उसकी जरूरत नहीं है, जो फोर्स पिविट पे लग रही है फिलहाल ड्रॉ ना करें, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। हाँ भाई, एरोस हो गए, पिविट ये हो गया, एरोस भी हो गए, पिविट भी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ मोमेंट कितना है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ का 60 न्यूटन का कितना डिस्टेंस है बेटा, 2, इसके लिए 2 बताइए मैंने, तो ब्रैकेट में लिख दें 2, और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, टोटल 6 है ना, 6 का आधा कितना होता है 3, ब्रैकेट में 3 लिख दें, वेट के साथ ब्रैकेट में क्या लिख दिया 3। अब क्या मेरा बेटा, बॉडीज क्या कर रही हैं, फोर्सेस क्या कर रही हैं, वेट कैसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, टेंशन कैसे घुमाना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का मोमेंट इक्वल है, इक्वेशन अप्लाई कर दें, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है डब्ल्यू इंटू 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 60 इंटू 2 ओवर 3 40 न्यूटन्स है ना, कोई गलती तो नहीं की मैंने, ये आंसर बन रहा है बेटा, आंसर चेक कर लें आप। तो अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, तो इसके थ्रू मोमेंट के थ्रू हम वेट निकाल सकते हैं, अननोन वेट, वी कैन फाइंड द अननोन वेट, और करते हैं, इरेज कर दूं बेटा, हम मोमेंट्स के एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं जो खुद कराऊंगा वो मुश्किल है इससे ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा पहले एग्जाम क्वेश्चन कर लें, पहले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, स्लाइड को नीचे करता हूँ, स्क्रीन को आपको नजर आए, क्या कहता है, द डायग्राम शोज अ व्हील बैरो विच हैव टोटल वेट 150 न्यूटन, दिस इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल फोर्स एफ, व्हील बैरो को उठाया हुआ है उसने बंदे ने, ओके, दिस इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल, एट द एंड हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ निकालना है, ये फोर्स फाइंड आउट करनी है, ये फोर्स गिवन है, इसको पिवट अज्यूम कर सकते हैं और डिस्टेंसेस भी गिवन है, सॉल्व इट प्लीज, सॉल्व इट, जी बेटा प्लीज हरी अप, जी बेटा सारे
जी जी बिल्कुल, मोमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे, जहाँ पिवट इन्वॉल्व होगा वहाँ पे मोस्टली वो मोमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिजल्टेंट मोमेंट निकालना होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। इक्विलिब्रियम में अगर ना गिवन हो तो हम ये अज्यूम करेंगे इक्विलिब्रियम में, वो कह रहे हैं बैलेंस किया हुआ है ना, व्हील बैरो एंड विच इज टोटल बैलेंस, दिस इज सपोर्टेड बाय, सपोर्ट किया हुआ है, रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो जुबानी भी कर सकते थे ना आप, इसको वर्बली कैसे करेंगे? अगर आपको आ गई फिजिक्स, कहेंगे 150 इंटू दिस इज इक्वल टू एफ इंटू 1.5। देखो ना ये ऐसे घुमाना चाह रही है, अगर आपको जुबानी जल्दी जल्दी आ गया है तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ 150 इंटू दिस इज इक्वल टू एफ इंटू दिस। एक और तरीका भी आपको आता है, एक और तरीका, और जल्दी करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस 0.75 है ना, यहाँ से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है 1.5। सुनो प्लीज, डिस्टेंस डबल है, डिस्टेंस डबल है तो फोर्स हाफ लगानी पड़ेगी। इसकी पता कितना आंसर आएगा, 150 है ना, ये 75 आंसर आएगा। डिस्टेंस का और एफ का इनवर्स रिलेशन होता है मोमेंट के फॉर्मूला में, देखो ना जरा। देखो मोमेंट किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी, एफ को सब्जेक्ट बनाए जरा, एम ओवर डी, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D अगर मोमेंट कांस्टेंट है। तो जितना क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्लॉकवाइज मोमेंट कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 0.75, और एंटी क्लॉकवाइज कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 1.5, डबल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पे, तो ये किस पे डिवाइड होगा? तो आप जुबानी भी कर सकते हैं, ये 150 है तो ये 75 है, ये फोर्स कितनी है 75। पूरे स्टेप से करना चाहें तो पूरे स्टेप से कर लें, एमसीक्यू है ना, आप शॉर्टकट कर सकते हैं, थ्योरी के पेपर में शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू में लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जितना इसका क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, मोमेंट दोनों का इक्वल है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये क्लॉकवाइज मोमेंट कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 0.75। एंटी क्लॉकवाइज कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, डबल डिस्टेंस में। जब डिस्टेंस डबल होता है तो फोर्स हाफ लगानी पड़ती है। आप दरवाजे को हैंडल से खोलो इजी होता है, हिंज के पास से खोलो मुश्किल होता है खोलना, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जितना डिस्टेंस कम होता है उतनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं आता तो स्टेप से कर लें पूरा। क्या स्टेप्स हैं? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, एरोस, ये जी एरो है, एक तो वेट है और एक ये फोर्स है, एरो गिवन है आपको, या तो फोर्स लग रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका मोमेंट जीरो है। एरोस हो गए, पिवट गिवन है, पिवट ये पिवट है, और डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइप ऑफ मूवमेंट इकट्ठे कर लेते हैं। ये फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो इसके साथ 90 का एंगल ये डिस्टेंस बना रहा है, 0.75, ब्रैकेट में लिखते हैं 0.75। और ये कैसे घुमाना चाह रहे हैं, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़े, फोर्स की डायरेक्शन में पुल करें, कैसे घुमाना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा, 0.75 प्लस 0.75, 1.5, ये ब्रैकेट में लिख दें 1.5, सॉरी। और ये कैसे घुमाना चाह रही है, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग रखा, फोर्स की डायरेक्शन धक्का मारा, कैसे घुमाना चाह रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और अब इक्वल कर दें, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, क्लॉकवाइज मोमेंट। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एफ इंटू 1.5, डबल डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 इंटू 150 है ना, 0.75। सॉल्व करते हैं तो 1.5 जाके डिवाइड हो जाएगा, इट गिव्स 75 न्यूटन्स, ए आंसर है इसका बेटा, ए आंसर है। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जल्दी से, आप फॉरन कर सकते हैं। अब प्लेन लैमिना, जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए किया था, अब प्लेन लैमिना इज फ्रीली सपोर्टेड सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी, इससे सस्पेंडेड है, द वेट ऑफ द लैमिना इज 2 न्यूटन्स एंड द सेंटर ऑफ मैस इज सी, यहां से वेट एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मैस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है, डिस्टेंसेज गिवन है, द लैमिना इज डिस्प्लेस्ड टू द पोजिशन शोन, इसको यूं खींच के इधर तक ले आए,
वट मोमेंट डेट विल कॉज द लेमिना टू स्विंग. हाँ जी, इस पर कौन कितना मोमेंट एक्ट कर रहा है वो निकालना है. करें सॉल्व, ट्राई करें. शाबाश. द लेमिना इज डिस्प्लेस्ड टू द पोजिशन शोन. वट मोमेंट विल कॉज द लेमिना टू स्विंग. आपने रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है इसका, इस पोजिशन पे. एरोज ड्रॉ करो. आप द स्टेप्स अप्लाई करें. एरोज, पिवट, डिस्टेंस, टाइप. जल्दी जल्दी, फास्ट. A plane lamina is freely suspended from point P. The weight of the lamina is 2 newton and center mass is C. The lamina is displaced to the position shown. What moment will cause the lamina to swing? कर लिया? Good. Steps apply करते हैं. All Pakistanis deny terrorism extremely. Arrows. इसका weight यहां से act कर रहा है. सेंटर कितना है वेट जनाब? 2 newtons. और कोई फोर्स है? वो पिवट के ऊपर है, उसकी जरूरत नहीं है अभी यहां पे, जरूरत नहीं है. तो ना भी ड्रॉ करें तो चल जाएगा. पिवट वाली फोर्स को ना भी ड्रॉ करें अभी चल जाएगा काम. एरोस हो गए, पिवट, ये पिवट है जिस पे घूम सकता है. डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ मोमेंट. अच्छा बेटा, अब मुझे कौन सा डिस्टेंस है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है ना, वेट का ये लाइन ऑफ एक्शन है, वेट का ये लाइन ऑफ एक्शन है. मुझे वो डिस्टेंस चाहिए जो पिवट से चलेगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. कौन सा डिस्टेंस बनेगा? ये. और ये किसके इक्वल है बच्चों? ये किसके इक्वल है? क्यू सी के. क्यू पी नहीं लेंगे, पी सी नहीं लेंगे, पी क्यू नहीं लेंगे, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ये बन रहा है. और कितना है जनाब? क्यू सी. व्हाट इज क्यू सी की वैल्यू? यहां पे ब्रैकेट में लिख दें 0.30 ताकि ढूंढना ना पड़े. एरोस, पिवट, डिस्टेंस. डिस्टेंस लेना और टाइप ऑफ मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. हम कैसे लेते हैं डिस्टेंस? इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं. फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा, 90 का एंगल. वो ये नहीं होगा, ये 90 का एंगल नहीं है, वो ये होगा मेरा बेटा 90 का एंगल. अच्छा भैया, अब ये कैसे घुमाना चाह रही है, ये कैसे चेक करते हैं? पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ते हैं, किसके अलॉन्ग प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये इसके अलॉन्ग प्लेस करेंगे. यू फोर्स की डायरेक्शन में पुल करें, कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज. तो इसका टर्निंग इफेक्ट क्या है बेटा? क्लॉकवाइज. तो मोमेंट निकालने, मोमेंट कितना बन रहा है? 2 × 0.3, इट गिव्स वॉट? 0.6 न्यूटन मीटर. वॉट? क्लॉकवाइज. कोई ऐसा आंसर है? ए. मुश्किल है? इजी है, मुश्किल नहीं है. अगर आप स्टेप्स अप्लाई करेंगे तो बच्चों वाला है बिल्कुल. हाँ जी, सोच के आंसर देना है बेटा. ये आपके क्वेश्चन इजी हैं. हम अभी जो प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं खुद से जो करवाऊंगा वो काफी टफ होंगे. पहले हम आसान क्वेश्चन कर लें. इफ द नट एंड बोल्ट आर डिफिकल्ट टू अनडू, नट एंड बोल्ट को खोलना है स्पैनर की मदद से, इट मे बी इजियर टू टर्न द नट बाई यूजिंग लॉन्गर स्पैनर. स्पैनर बड़ा ले लें. दिस इज बिकॉज द लॉन्गर स्पैनर गिव्स लार्जर टर्निंग इफेक्ट, स्मॉलर टर्निंग मोमेंट, लेस फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन. क्या आंसर होगा? जी बेटा, ड्रॉ करके समझते हैं. ये नट है जी, इसे स्पैनर लगा दिया, इसके क्रॉस यूं करके छोटा स्पैनर लगाया. ये पिवट बन जाएगा ना, इस पर घूमेगा. आप स्पैनर से फोर्स लगाएंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा. क्लॉकवाइज हो तो टाइट होता है, पता है आपको? चीजों को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं. अनडू कर रहे हैं, एंड ऐसे नॉलेज के लिए बताया. जब चीजों को खोलना होता है ना तो एंटी क्लॉकवाइज, टाइट करना होता है तो क्लॉकवाइज, टाइट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा भाई, ये इसका मोमेंट कितना होगा? जितना भी ये डिस्टेंस है, एफ इंटू डी. अगर स्पैनर बड़ा होगा,
अब ये डिस्टेंस डबल है, इसका मोमेंट कितना था एफ इंटू डी। अब यहां पे आप एफ फोर्स लगाए, इसका मोमेंट कितना होगा एफ इंटू टू डी, ज्यादा होगा ना, ये हो जाएगा टू एफ डी, ये हो जाएगा एफ डी। तो लॉन्गर स्पैनर होगा तो ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, अ लार्जर, ए आंसर। जितना स्पैनर बड़ा होगा, जितना मोमेंट आर्म बड़ा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना मोमेंट ज्यादा होगा। मोमेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना बेटा डिस्टेंस से, एफ इंटू डी, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना मोमेंट ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना मोमेंट ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना लंबा प्लानर होगा, स्पैनर होगा, स्पैनर होगा, उतना मोमेंट आर्म बड़ा होगा, उतनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी या उतना मोमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स प्लीज। हाँ जी, देखिए जरा, फोर्सेज आर अप्लाइड टू यूनिफॉर्म बीम पिवेटेड एट द सेंटर। यूनिफॉर्म बीम है, सेंटर पे पिवेटेड है, यूनिफॉर्म बीम है, सेंटर पे पिवेटेड है, तो वेट का मोमेंट तो जीरो हो गया ना, वेट भी तो सेंटर पे एक्ट करता है ना, तो पिवेट के ऊपर वेट होगा तो वेट का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, विच बीम इज बैलेंस्ड, चेक करें जी कौन सी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये कैसे मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है 10 इंटू 0.4 क्लॉकवाइज, ये कैसे मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है 10 इंटू 0.4, ये भी क्लॉकवाइज, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ऊपर लग रहा है एरो, ये बैलेंस नहीं है, इसका रिजल्टेंट मोमेंट जीरो नहीं है, इसका ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, देखो ना पिवट वाली जगह से पेन को पकड़े, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलॉन्ग प्लेस किया पिवट से पकड़ा, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है, नो ये नहीं हो सकता। यहां देखो ये बैलेंस हो सकता है शायद, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका मोमेंट कितना बन रहा है 10 इंटू 0.2, और इसका मोमेंट कितना बन रहा है 10 इंटू 4, इक्वल नहीं बन रहा, ये बैलेंस्ड, कौन बैलेंस्ड होगा, जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही। अब यहां देखो ये ये कितना बन रहा है जी 10 इंटू 0.4 कितना होगा 4 क्लॉकवाइज, और ये कितना बन रहा है, बल्कि ये तो ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, ये भी नीचे फोर्थ लगा रहे, ये ऊपर लगा रहा है, ये तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अच्छा डी रह गया, डी पढ़ते हैं, डी ये डी ये पिवट है, ये कितना है 10 इंटू 2, भाई फोर्स वर्टिकल है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा 2 न्यूटन मीटर, और ये कितना है 5 इंटू 4 2 न्यूटन मीटर, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी है, एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉक, और दोनों इक्वल हो, और दोनों क्या हो बेटा इक्वल हो, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो डी में हो रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज, करें सॉल्व, ट्राई करें खुद से, नजर नहीं आ रहा तो नीचे स्क्रीन है ना। द डायग्राम शोज अ बॉय ऑफ वेट 500 न्यूटन सिटिंग ऑन अ सी सॉ, ही सिट्स 2 मीटर फ्रॉम द पिवट, पिवट से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू बैलेंस द सी सॉ। जी क्या चीज, नहीं फोर्स लगा रहे हैं ना, देखो एफ दिया हुआ है ना आपको, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको बैलेंस करने के लिए, कोई जुबानी बता सकते हैं बगैर सॉल्व किए, बहुत थोड़ी, आधी, देखो ना ये 2 मीटर डिस्टेंस है ना, ये 4 मीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फोर्स 2 पे डिवाइड हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। तो अगर आपने भारी चीज को उठाना है ना, किसी भारे बंदे को मुझे बैलेंस करना है, तुमने हम सीसॉ पे बैठ गए, दोनों इक्वल डिस्टेंस में बैठेंगे तो मैं जीत जाऊंगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना है सर आगे खिसके ना जरा पिवट के पास हो जाए, तुम एंड पे हो जाओगे, फिर शायद बैलेंस हो जाए। इज इट क्लियर टू यू। तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी भाई, ये जो 2 मीटर है ना ये 4 मीटर है, डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ओ डी में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स, जब एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी डिवाइड होती है, तो ये कितना है 500, तो आपको फोर्स कितनी लगाएगी 250, आप जुबानी कर सकते हैं, नहीं समझ में आया सर तो क्या करें, स्टेप्स, एरोस, एरो है पिवट है, डिस्टेंस ये 2 है, 7 लिख दिया 2, इसका डिस्टेंस कितना है 4 लिख दिया 7, ये कैसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और वो कैसे घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हो जाएगा, एफ इंटू 4
इज इक्वल टू 500 इंटू टू, विद दो फोर्सेज है ना, एफ इंटू फोर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 500 इंटू टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, इक्वल कर दें क्या बनेगा, इसका डिस्टेंस कितना है 4, इसका डिस्टेंस कितना है 2, ये पिवट है, ये कैसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इक्विलिब्रियम है, तो क्या करेंगे f into 4 is equal to what 500 into 2, सॉल्व कर लें 500 into 2 over 4 250 newtons, जुबाना भी कर सकते थे आप कि भाई देखे ना ये डिस्टेंस डबल है तो फोर्स हाफ लगानी पड़ेगी, जब डिस्टेंस हाफ होगा तो फोर्स डबल लगानी पड़ेगी, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट मेरा बेटा एमसीक्यू नंबर 8 प्लीज। अब सब बच्चे सॉल्व करेंगे खुद से, मैं नीचे कर रहा हूं स्क्रीन, इसको ड्रॉ करें और सॉल्व करें एक मिनट में, सब लोग इन्वॉल्व हो, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी फास्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक, इसका वेट बताना है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंसेस एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे बैलेंसेस के वेट लेने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक, वो हम करेंगे, उसका मोमेंट जीरो होता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजर रहा होता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ में इन्वॉल्व नहीं होता, जो फोर्स पिवट पे लग रही होती है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है। अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं, पहले ही सॉल्व कर लो। हाँ जी, इसका वेट का एरो डालो, इसके वेट का एरो डालो, सारे एरो डाल के समझाऊं मैं आपको ताकि आपका मसला भी हल हो जाए। ये देखो इस पे सारे एरोज डालता हूँ मैं, हमने करना होता है कई दफा सॉल्व, इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं मुश्किल भी करते हैं, पहले इस तरह सॉल्व करते हैं फिर उसको मुश्किल करते हैं। अच्छा भाई, एक तो इसका वेट है बच्चों, हम क्या स्टेप लगा रहे हैं, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, एरोज एरोज लगाएं, इसका वेट कितना है जनाब, निकालना है, अननोन है। अच्छा और क्या है जी, ये इसका वेट, इसका वेट कितना है 100 न्यूटन्स, और भी हैं फोर्सेस, देखो इसका अपना वेट भी होगा, यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, ये वेट ऑफ रॉड है। अच्छा यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, ये ऊपर लग रहा है, यहां पे दो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं जो हम ड्रॉ ही नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, अभी वजह समझ में आ जाएगी। एरोस पिवट, ये पिवट है, सही है, पिवट डिस्टेंस, हर फोर्स का पिवट से डिस्टेंस, इस फोर्स का पिवट से कितना डिस्टेंस है बच्चों, कितना डिस्टेंस है बोलो, यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर है। अच्छा 100 का कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, 15, ब्रैकेट में लिखते हैं 15। अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई, नॉर्मल रिएक्शन का पिवट से कितना डिस्टेंस है, जीरो। वेट का पिवट से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजर रहा है, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से गुजर रहा है, जैसे मैं बोल्ट को टच हो रहा हूं, मेरा बोल्ट से कितना डिस्टेंस है, जीरो। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चेयर को टच हो रहे हैं, आपका चेयर से कितना डिस्टेंस है, जीरो। अगर मैं किसी चीज को टच हो रहा हूं तो मेरा उससे डिस्टेंस जीरो है। तो ये जो पिवट पे फोर्सेस लग रही होती है, ये पिवट को टच हो रही होती है ना, इनका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजर रहा होता है ना, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है, इनका मोमेंट जीरो होता है, ना ये क्लॉकवाइज में इन्वॉल्व होते हैं ना ये एंटी क्लॉकवाइज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसलिए मोमेंट्स की इक्वेशन में इसको ना भी ड्रॉ करें तो काम चलेगा, लेकिन अगले पार्ट में अभी मैं एक पार्ट बनाता हूं जिसमें ये मुझे चाहिए होगा, मैं कराता हूं आपको। पिवट डिस्टेंस टाइप ऑफ मोमेंट, कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है, ये कैसे घुमाना चाह रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, शाबाश बच्चों। और बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज, इनको इक्वल कर देंगे बस, इनका मोमेंट तो जीरो आ गया ना, कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 15 25 टाइम्स 575, ये आ गया जी 75 न्यूटन। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये हो गया सॉल्व 75 का बी आंसर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनो बेटा, एग्जामिनर कहता है द वेट ऑफ द रॉड इज 10 न्यूटन, मैंने ऐड कर दिया वेट ऑफ रॉड इज 10 न्यूटन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन।
What is the value of normal reaction at pivot? No. क्वेश्चन सुना आपने? ये 75 किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर करें, करो ऊपर, मैं दोबारा बताता हूं, आ गया सबको समझ में। बी पार्ट क्या है, मैंने खुद बनाया है। बी पार्ट ये है कि व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स एक्टिंग एट पिवट। रिएक्शन फोर्स क्या होती है, पिवट इसको कितनी जोर से पुश कर रहा है। परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सर्फेस, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सर्फेस। ये सर्फेस कितनी जोर से पुश कर रही है। अब आपको पता है बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं, मेरी बात तो सुनो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो है, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आर जीरो नहीं है। सुनो बेटा, आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, आर का मोमेंट जीरो है, लेकिन आर फोर्स तो जीरो नहीं है ना। क्या मतलब, कितनी है? बॉडी इक्विलिब्रियम में द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल अपवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स कौन सी है, एक एरो ऊपर को है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मानते हैं फोर्सेस बैलेंस्ड है, रिजल्टेंट जीरो है, अपवर्ड कौन सी फोर्स है, आर। फोर्स जीरो नहीं है, इसका मोमेंट जीरो है, फोर्स तो आर है ना, आर। डाउनवर्ड कौन कौन सी है, क्या खाली टेन है? 100 प्लस 10 प्लस 75, टोटल डाउनवर्ड कितने एरो हैं? एक एरो ये है, एक एरो ये है, एक एरो ये है, तीन एरोज हैं डाउनवर्ड्स। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, अब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कौन कौन सी है, 100 प्लस 10 प्लस 75, 185 न्यूटन यहां से लग रही है फोर्स। ये इसका आंसर नहीं है 75, अभी आपने अभी वेट निकाला यार। देखो ना, अगर आप कुछ सोचो, आपने उठाया हुआ रॉड, तो आपको अगर खाली रॉड उठाया हुआ है, तो मुझे रॉड की इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक थैला लटका दिया, यहाँ पे एक थैला लटका दिया, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, रॉड प्लस इस बैग का वेट प्लस इस बैग का वेट। इज इट क्लियर टू यू? तो ये बंदा जो ऊपर उठा रहा है, ये पिवट जो सपोर्ट कर रहा है इसको, इसका वेट प्लस इस रॉड का वेट प्लस इसका वेट, टोटल अपवर्ड फोर्स। इज इट क्लियर टू यू? तो जब फोर्स की वैल्यू है, लेकिन इसका टर्निंग इफेक्ट जीरो है, ये टर्न नहीं कर रही, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, 185 न्यूटन्स, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, फोर्स जीरो नहीं है, डिस्टेंस जीरो है, तो उसका मोमेंट जीरो आ जाता है, इसका मोमेंट जीरो है, फोर्स जीरो नहीं है। नेक्स्ट बेटा, चलिए ये तो आसान है, मैं खुद कराता हूं आपको क्वेश्चन। इसको बंद कैसे करेंगे हारिस, रिमोट से कर दो बंद, ये फिट हो गया काम। अच्छा भाई, आसान क्वेश्चन ट्राई किए थे, एक और करते हैं। नजर आएगा, ये एक रॉड है जी, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 8 meters, प्लीज ड्रॉ करें। यूनिफॉर्म रॉड लेंथ 8 meter, मास 20 kg, यहां पे पिवट है, दरमियान में नहीं है, ये डिस्टेंस गिवन है 1 meter। यहां पे लोड हैंग किया, इस लोड की वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम एंड फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट द पिवट। वेट बताना है और रिएक्शन फोर्स बतानी है एट पिवट। करो ट्राई। द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, गिवन ए क्वेश्चन में, इट इज इन इक्विलिब्रियम, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, हमने क्या बताना है, कितना वेट हैंग करेंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा, और यहां से जो रिएक्शन फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है। कितने बच्चे हैं घर? जी मेरा बेटा, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द स्टेप्स, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द स्टेप्स।
यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, इसका मास, रॉड का मास 20 किलोग्राम्स है, अगर हम ऐसी वेट नहीं लटकाएंगे ना तो ये नीचे गिर जाएगा, पता है ना आपको, अगर ये यहाँ पे वेट हैंग नहीं करेंगे तो ये क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा ना, अगर मैं सेंटर पे रखता हूँ पे वेट तो ये तो ऐसे बैलेंस रहेगा, ऐसे हो जाए यार, लेकिन अगर मैं पिवट अपना मेरी फिंगर पे यहाँ पे रखता हूँ तो गिर जाएगा नीचे। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं ये वेट हैंग नहीं करूँगा तो ये क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, पता ना आपको, मैंने यहाँ पे वेट हैंग किया, कितना वेट हैंग करूँ तो ये बैलेंस हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली, एरोज ड्रॉ करें सब बच्चे, पिवट सेलेक्ट करें, डिस्टेंस, टाइप ऑफ मोमेंट, इक्वेशन, जल्दी से एरोज लगाएं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, कहां कहां से लग रही हैं, एरोज लगा लिए बेटा, गुड, कौन सी फोर्स है, ये वेट है जी, इसका वेट, एक तो ये फोर्स है जो अननोन है, और कौन सी फोर्स है, और कौन सी फोर्स है, रॉड का वेट कहां से एक्ट करेगा, यहां से एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में होगा ना, कितना वेट होगा, रॉड का वेट निकाल लो ना, मैस गिवन है ना, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी, 20 × 10 कितना हो जाएगा, तो रॉड का वेट कितना है बेटा, 200 न्यूटन, यहां तक बात क्लियर है, एरोस हो गए, एक और भी फोर्स है वो भी लगा लो, वो कौन सी फोर्स है, रिएक्शन फोर्स जो पिवट पे लग रही है, एरोस पिवट, ये है पिवट, ये पिवट है, ये पिवट है, डिस्टेंस ऑफ ईच फोर्स फ्रॉम द पिवट, हाँ जी, इसका कितना डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, वन, ब्रैकेट में लिख दो वन, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, गुड, कैसे मालूम हुआ, आपको कहते हैं 8 है ना, तो आधा कितना होगा, 4, हमें तो ये नहीं चाहिए, खाली ये चाहिए, 4 में से 1 उड़ा दो, कितना रह गया, 3, इसका डिस्टेंस 3 है बेटा, देखो टोटल 8 है ना, 8 का आधा 4 होगा ना, 4 में से ये 1 माइनस कर दो तो 3 रह गया। अच्छा, कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है, पता है आप बच्चों को, हाँ जी, पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ें, डिस्टेंस के अलॉन्ग रखें, ये कैसे घुमाना चाह रही है, क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाना चाह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस्ड है ना, क्या हो जाएगा, W इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, 200 × 3, तो वेट आ गया 600 न्यूटन, कितना वेट हैंग करना पड़ेगा, आप जुबानी भी कर सकते थे, आप कहते सर देखे ना, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, डिस्टेंस 1/3 है, देखो ना ये 3 मीटर आया था ना डिस्टेंस, ये 3 मीटर था, ये 1 मीटर था, डिस्टेंस 1/3 है तो फोर्स 3 टाइम ज्यादा लगानी पड़ेगी, ये 200 है ना वो 600 होगी, इनवर्स रिलेशन हम कर सकते हैं ऐसे। अच्छा भाई, अब आर निकालना है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड कौन कौन सी है, ये 200 ये है और ये कितनी है, ये 600 ये है, ये दोनों एरोज डाउनवर्ड है और अपवर्ड क्या है, आर, तो आर किसके इक्वल है, एनी कंफ्यूजन, और बेटा प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम, डोंट यू वरी, इंशाल्लाह, ठीक है, आज के लिए काफी है, थैंक यू स्टूडेंट्स, नहीं इसमें और करनी है हमने प्रैक्टिस, और अभी मुश्किल क्वेश्चंस करने हैं, 2 पिवट्स वाले।